हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अवंतिका ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगातार हमारी करंट अफेयर की क्लासेस आ रही हैं और आज से जो है एनवायरमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है। आने वाले एक दो दिन में आपकी हिस्ट्री फिर से स्टार्ट हो जाएगी जो रुकी हुई थी और पॉलिटिकल साइंस में। तो जल्द से जल्द आपका सिलेबस कराया जाएगा। चूंकि कंडीशन ऐसी आ गई थी कि मुझे कुछ दिनों के लिए वीडियो रोकनी पड़ गई थी, लेकिन करंट अफेयर फिर भी चालू रखा और अब लगातार आपकी वीडियो चालू रहेंगी। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप भी हमारा साथ दीजिए। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लासेस की। और आज की पहली करंट अफेयर की न्यूज क्या है, 2021 का पहला चक्रवाती तूफान चर्चा में रहा लाडलो। 2021 का पहला चक्रवाती तूफान चर्चा में रहा है और इसको जो है इसको म्यांमार द्वारा जो म्यांमार है म्यांमार द्वारा नाम दिया गया है। तो पूछा जा सकता है इसका नाम, तो म्यांमार द्वारा जिसका नाम दिया गया है म्यांमार द्वारा जो नाम दिया गया है लाडलो म्यांमार द्वारा जो इसका नाम दिया गया है पूछा जा सकता है क्या नाम दिया है, याद रखना तोकाते। तोकाते जो है म्यांमार द्वारा इसका दिया गया नाम है। अब जान लो थोड़ा सा म्यांमार के बारे में, म्यांमार की अगर सीमा की बात करें, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, साथ ही साथ लाडलो, साथ ही साथ मिजोरम और उसके बाद मणिपुर, इनसे जो है ये सीमा बनाता है। ठीक है लाडलो, याद रहेगा इनसे क्या बनाता है, सीमा बनाता है। अगर पूछ ले लाडलो, अगर पूछ दे म्यांमार की मुद्रा क्या है, ठीक है लाडलो, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। फिर लाडलो अगर आपसे पूछ दे, कि म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नायपिरा जो है म्यांमार की राजधानी है लाडलो, याद रहेगी म्यांमार की राजधानी है। फिर अगर आपसे पूछ दे, कि जो तोकाते चक्रवाती तूफान है, ये किस राज्यों पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, तो केरल पे इफेक्ट डालेगा, कर्नाटक पे, साथ ही साथ तमिलनाडु पे, गुजरात और महाराष्ट्र, साथ ही साथ किस पे, महाराष्ट्र पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है लाडलो, फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। फिर हम ले लिया, नेक्स्ट इश्यू पे आते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिलेगा, तो याद रखना ये मिल रहा है डॉक्टर शकुंतला हरक को मिलेगा विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। ठीक है, ये किससे संबंधित थी लाडलो, तो पोषण विशेषज्ञ से संबंधित थी ये जो है पोषण विशेषज्ञ से संबंधित थी। फिर आपसे पूछ ले कि पहला पुरस्कार कब मिला था, तो लाडलो याद रखना प्रथम पुरस्कार मिला था ये 1987 में। और अगर पूछ दे, किसे मिला था, तो एम एस स्वामीनाथन को मिला था। फिर आपसे पूछे एम एस स्वामीनाथन, तो याद रखना भारत में हरित क्रांति के जनक थे, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो गेहूं से संबंधित थी, और गेहूं की किस प्रजाति से पूछ दे, तो मैक्सिको प्रजाति, कौन सी लाडलो, मैक्सिको। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे लाडलो, तो याद रखना विश्व में हरित क्रांति के जनक लाडलो नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है लाडलो, याद रहेगा नॉर्मन बोरलॉग थे। कभी पूछ दे कि बोरलॉग पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार, कृषि के क्षेत्र में। ठीक हो गया लाडलो, फटाफट चलो इसका स्क्रीनशॉट, एक एक क्वेश्चन एग्जाम की खोपड़ी में करेगा छेद।
कर दिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है, आईसीसी द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। तो आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है, इसमें कौन टॉप रैंक पे आया है, तो भारत को जो है टॉप रैंक मिली है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, इसमें भारत है। अब जान लो थोड़ा आईसीसी के बारे में, लाड लो आईसीसी की अगर स्थापना पूछ ले, अगर पूछ दे आईसीसी की स्थापना, तो 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है लाड लो। और इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसका अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग वर्कले इसके अध्यक्ष हैं। कौन है लाड लो, ग्रेग वर्कले इसके अध्यक्ष हैं। फिर अगर आपसे पूछ दे कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है लाड लो, 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा, तो याद रखना इंडिया में होगा, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ दे जो आईपीएल हुए थे जो अभी रुके हुए हैं, 9 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुए थे, ये कौन सा संस्करण था, तो पूछ दे लाड लो, तो याद रखना 14वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था लाड लो, 14वां संस्करण था। इसका स्पॉन्सर कौन था, पूछ दे इसका स्पॉन्सर कौन था लाड लो, इसका स्पॉन्सर था लाड लो वीवो। और फाइनल कहाँ होने वाले थे, ये अगर ये सब कुछ सही रहता तो फाइनल मैच कहाँ होता, तो अहमदाबाद में होता, ठीक है लाड लो, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। वहीं आपसे पूछ दे दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है लाड लो। वहीं आपसे पूछ दे देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है लाड लो, ठीक है। याद रहेगी बात, तो फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अगली न्यूज क्या है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 ये मिला है बच्चों, ये मिला है IREDA को। किसको मिला है लाड लो, IREDA को, ठीक है। कौन देता है, तो याद रखना इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स देता है इसको, और किसे मिला है, IREDA को मिला है। अगर पूछ दे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है लाड लो, कहाँ है, दिल्ली में है। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान में इसके सीएमडी कौन है, तो प्रदीप कुमार दास वर्तमान में इसके सीएमडी है, ठीक हो गया लाड लो, ठीक हो गया। फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज क्या है, मिशन हौसला लाड लो उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है मिशन हौसला। याद रखना केवल डायरेक्टली पूछा जाएगा कि मिशन हौसला किसने चलाया, उत्तराखंड पुलिस ने चलाया, किससे संबंधित है, तो कोविड-19 से रिलेटेड है, ठीक हो गया लाड लो, ठीक हो गया। अब करंट अफेयर की न्यूज खत्म होती है, अब हम आते हैं अपनी कमर तोड़ सीरीज में, और देखिए मैं क्या क्या क्वेश्चन लेके आया हूँ कमर तोड़ सीरीज में, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाए, क्योंकि कमर तोड़ सीरीज पेपर की कमर तोड़ने के लिए तैयार करवाई जा रही है, ये आपके बहुत काम आएगी बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन है आपके लिए, कि दी प्राउडेस्ट नामक पुस्तक किससे रिलेटेड थी, तो याद रखना लाड लो दी प्राउडेस्ट नामक पुस्तक जो है प्रथम परमाणु परीक्षण से रिलेटेड थी। और प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण के अंदर कब हुआ था, 1974 में। क्या नाम था इसका स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका नाम था, ठीक है लाड लो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसने पूछा था
कि दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा था कृषि एवं पशुपालन से संबंधित, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 40 क्या है लाड लो, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अच्छे से नोट्स बनाना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अब आपसे पूछ दे कि जो गद्दी जनजाति है वो कहाँ है। तो याद रखना, पर्वत श्रेणी पूछी गई थी, तो गद्दी जनजाति जो है धौराधार श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है लाडलो, धौराधार श्रेणी में है, ठीक है लाडलो। फिर आपसे पूछ दे अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सह्याद्री में पाए जाते हैं। फिर आपसे पूछ दे कि आप जो 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हो ना, तो ये किसकी याद में मनाते हो। तो याद रखना ये हम मनाते हैं सरोजनी नायडू की याद में। किसकी याद में, सरोजनी नायडू की याद में। क्या थी ये, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी। ठीक हो गया लाडलो, ठीक हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं न्यूज की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि जल के अंदर जो बुलबुला होता है, जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो किस लेंस की तरह काम करता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है पूछा जाता है। तो याद रखना अपसारी लेंस की तरह। किसकी तरह काम करता है लाडलो, अपसारी लेंस की तरह काम करता है जल के अंदर वायु का बुलबुला। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। तो याद रखना फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है लाडलो। तो याद रखना लाडलो, अगर ऐसा पूछ दे कि कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है, तो वो है लाडलो बुध। कौन सा है लाडलो, बुध, क्योंकि ये सबसे नजदीक है सूरज के। फिर आपसे पूछ दे कि देव समाज की स्थापना पूछ दे लाडलो। तो याद रखना 1887 में हुई। जगह पूछ दे तो लाहौर में हुई। कहाँ हुई, लाहौर में। किसने की पूछ दे तो शिव नारायण ने देव समाज की स्थापना की 1887 में की, लाहौर में। ठीक हो गया लाडलो, ठीक हो गया। फिर अगर आपसे पूछ दे कि बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। और किसकी उपाधि मिली थी इस टाइम पे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी थी। याद रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के टाइम पे ही दी थी। ठीक है लाडलो, फटाफट से लो इसका स्क्रीन शॉट। आगे बढ़ते हैं, फिर ले लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो जलियांवाला बाग में लोग एकत्र क्यों हुए थे? क्वेश्चन ये है, जलियांवाला बाग में लोग किसके विरोध में एकत्र हुए थे, किस चीज का विरोध कर रहे थे आखिर वो लोग? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाग में लोग किसके विरोध में इकट्ठे हुए थे लाडलो? ठीक है, तो अगर पूछ दे कि किसके विरोध में इकट्ठे हुए थे, किसके विरोध में इकट्ठे पूछ दे, विरोध में इकट्ठे हुए थे, तो याद रखना लाडलो, याद रखना, ये जो इकट्ठे हुए थे तो दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनके नाम याद रखना, एक तो थे सैफुद्दीन किचलू, एक कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे लाडलो, और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है लाडलो, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे वो लोग इकट्ठे। फिर आपसे पूछ दे उस टाइम पे वायसराय कौन था, तो याद रखना चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। इससे संबंधित कमेटी पूछ ले तो हंटर कमेटी थी। कौन सी कमेटी रही? हंटर कमेटी रही। ठीक है लाडलो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे बार बार क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुई, तो लाडलो याद रखना दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। लाडलो याद रहेगी बात, 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। अगर आपसे पूछ दे कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज होता है, तो याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल यूज होता है फोटोग्राफी में। कौन सा अम्ल यूज होता है लाडलो? ऑक्जेलिक अम्ल यूज होता है फोटोग्राफी में। फिर अगर आपसे पूछ दे कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो सल्फर के डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण है। फिर लाडलो अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला कौन सा है, तो याद रखना लाडलो, सबसे अच्छा कोयला जिसमें सर्वाधिक कार्बन होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। लाडलो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें क्या होता है? सर्वाधिक क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है लाडलो, फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो डायनासोर थे वो किस कल्प के थे, तो मेसोजोइक कल्प के क्या थे, तो सरीसृप थे। क्या थे लाडलो? मेसोजोइक कल्प के सरीसृप थे। फिर अगर आपसे पूछ दे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी लाडलो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो आंसर कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में छापो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी लाडलो। याद रखना अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर लाडलो अगर आपसे पूछ दे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापो, फिर आपसे पूछ दे तक्कोलम का युद्ध कब हुआ लाडलो, तो याद रखना 1949 ईस्वी में हुआ। जल्दी से छापो किस किस के मध्य हुआ, तो चोल और राष्ट्रकूटों के
मध्य होगा, ठीक है लाडलो, जिसमें जीत किसकी हुई, राष्ट्रकूटों की जीत हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन था लाडलो, अगला क्वेश्चन था कि प्रथम आंगल मराठा युद्ध, प्रथम आंगल मराठा युद्ध जब हुआ था, प्रथम आंगल मराठा युद्ध जब हुआ था तो कौन जो है, कौन वायसराय था, तो याद रखना कब गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो था गवर्नर जनरल। ये तो रही बच्चों एग्जाम में पूछा था पहला, अगर आपसे पूछे दूसरे, दूसरे आंगल मराठा युद्ध के समय कौन था, फटाफट से छापो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से छापो दूसरे आंगल मराठा युद्ध में कौन था, छाप दिया तो ये होगा लॉर्ड वेलेजली, कौन होगा, लॉर्ड वेलेजली। फिर लाडलो आपसे पूछ दे फटाफट थर्ड वाला छापो कि थर्ड आंगल मराठा युद्ध जब हुआ था, थर्ड आंगल मराठा युद्ध के समय कौन था, जल्दी छापो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स था थर्ड, थर्ड मराठा युद्ध के समय। लास्ट क्वेश्चन लाडलो, लास्ट क्वेश्चन अगर पूछ दे कि खुसरो, खुसरो जो राजकुमार था ना मुगल में, खुसरो की हेल्प, खुसरो को आशीर्वाद किसने दिया, खुसरो की मदद किस सिख गुरु ने की थी, तो याद रखना फटाफट से छापो आंसर, छाप दिया, गुरु अर्जुन देव ने, किसने दिया लाडलो, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने जो है की थी, ठीक है लाडलो। ये क्वेश्चन करंट अफेयर की सीरीज, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से इन क्वेश्चनों के लिए अलग से एक कॉपी बना लेना, आपका बहुत सारा पेपर का मटेरियल इसी से फंसेगा, इसी सीरीज से फंसेगा। तो करंट अफेयर के साथ जो लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं समझ लो 80% तैयारी तो उनकी बिना सब्जेक्ट पढ़े चल रही है। तो लाडलो फिर बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, लगे रहो अवंतिका क्लासेस के साथ, आपका सिलेक्शन 100% होगा, बस मेहनत करने की बारी आपकी है। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, ठीक है लाडलो। जिन्होंने चैनल को शेयर नहीं किया वो शेयर करें, वीडियो को इधर उधर शेयर करते रहे, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।